बैक टू माय चैनल गाइस, आज मैं लेके आई हूं आपके लिए शुगर वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी मार्च की एंड आपको वो इतनी ज्यादा अच्छी लगी थी, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए थे ना कि शुगर का वन ब्रांड करो, पैक का करो, लैक्मे, मेबेलिन, इनसाइड, बहुत सारे स्विस ब्यूटी का भी आया था मुझे, मेरी फेवरेट ब्रांड है टू बी ऑनेस्ट। अफोर्डेबल मुझे स्विस ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है। बट एनीवे, आज का जो लुक है वो मैं करूंगी शुगर के मेकअप से। आई एम सो एक्साइटेड। आई थिंक शुगर का मैं ऑलरेडी पहले भी कर चुकी हूँ एंड वो लुक भी बहुत ही अच्छा हुआ था। सो आज मैं थोड़ा सा ना एथनिक सा लुक करूंगी क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, देखो फेस्टिविटीज भी हमारे बैकग्राउंड में आ चुकी है। ऑल्सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट्स है ना ये आप अमेजोन से ले सकते हो, अमेजोन पे बहुत अच्छी अच्छी आपको डील्स, डिस्काउंट्स वगैरह हमेशा मिलते रहते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अमेजोन से जरूर पहले ट्राई कर लूँ कि कितने का आ रहा है, कंपेयर कर लूँ, क्योंकि अमेजोन पे ना बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मेकअप मिल जाता है। लिंक ना इन सारे प्रोडक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपको लेने आप ले सकते हो वहां से जाके। विदाउट एनी फर्दर डू नॉट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, फेस को तो ना मैंने पहले से ही अपना मॉइस्चराइज करके रखा था। मेकअप के ना हमेशा 5 से 10 मिनट पहले ट्राई किया करो कि आप अपना मॉइस्चराइजर पहले ही लगा लो ताकि वो स्किन में सेटल हो जाए एंड वो आपके मेकअप के साथ मिक्स हो कैसे क्रम्बल सा नॉलेज लग जाए। कई बार होता है ऐसे डॉट डॉट बन जाती है फाउंडेशन की, वो इस वजह से भी हो सकता है कि आपका फाउंडेशन और आपका मॉइस्चराइजर मिक्स होके वो खिचड़ी सी बना देता है। ओके, नाउ मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी ये ब्लिंक लीडर इल्यूमिनेटिंग प्राइमर फ्रॉम शुगर। ऑब्वियसली शुगर का ही वन ब्रांड है। दिस इज इन द शेड पिंक ट्रिपिन। ये बहुत सुंदर ग्लो देता है फेस पे, तो अगर आपको एक ग्लोई सा मेकअप चाहिए ना, आप इस टाइप का कोई इल्यूमिनेटिंग प्राइमर जरूर पहले अपने बेस में अप्लाई कर लेना। इससे स्किन ऑलरेडी ऐसे ग्लो करने लग जाती है ना, फिर जब वो मेकअप के अंदर से पीप करती है स्किन, तो बहुत अच्छी ग्लोई सी लगती है। अब देखो, इसने मेरी स्किन को हाइड्रेट कर दिया एंड बड़ा सटल सा प्यारा सा ग्लो भी दे दिया है एंड नाउ मेरी स्किन कितनी प्लम्पी सी और हेल्दी सी लग रही है। अभी इस प्राइमर को ना मैं अपनी स्किन में 2 मिनट तक बैठे दूंगी ताकि ये सेटल हो जाए एंड मेरे मेकअप के साथ अगेन मिल के खिचड़ी सी ना पका दे। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई दिस बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। इफ यू हैव पोर्स ऑन योर फेस या फिर अगर आपकी ऑयली स्किन है, देन यू नीड समथिंग लाइक दिस जो कि आपके पोर्स को फिल कर दे एंड आपके ऑयल सिक्रीशन को डिले कर दे। अगेन मैं इसको फिर से 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी अपने फेस के ऊपर ताकि ये सेट हो जाए। नाउ मेकअप को हमेशा लेयर में ही अप्लाई करना, ऐसे नहीं कि धबड़ धबड़ करके सब कुछ एकदम से अप्लाई कर दिया, उससे मेकअप बिल्कुल भी अच्छा फ्लॉलेस नहीं होगा एंड बेस बहुत ही पैची सा हो जाएगा। कलर करेक्शन कर लेते फेस के ऊपर। आप देखो मेरे एंड्राइज सर्कल्स भी दिखते हैं, एक्ने स्पॉट भी है फेस के ऊपर। सो आई एम गोना यूज दिस शुगर का मैजिक वॉन्ड कंसीलर। ये बहुत ज्यादा बढ़िया वाला कंसीलर है, इसका फॉर्मुला बहुत अच्छा है। ये जो 12 शेड है ये मेरी स्किन टोन से काफी ज्यादा डार्क है एंड येलो टोन में है, तो ये कलर करेक्शन अच्छे से करेगा। बट ये थोड़ा सा ना ज्यादा ही येलो है, तो मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा ही लगाऊंगी एंड ऑल्सो इसकी कवरेज भी काफी ज्यादा अच्छी है, सो मुझे ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आई थिंक। एंड गाइस, आप मुझे बताओ कि आपको कैसी वीडियोस देखना पसंद है। जैसे मैं वीडियो में बहुत ज्यादा बोलती हूँ, एक एक स्टेप को समझा समझा के बताती हूँ क्योंकि मुझे आदत है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि यार मैं कुछ भी लगाती जा रही हूँ एंड आप देखते जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं कर क्या रही हूँ एंड सामने वाले लोग बैठ के बोल रहे हैं बंदी करी क्या जा रही है, फेस के ऊपर कुछ कुछ लगाई जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर स्टेप को ना अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। तो आपको कैसी वीडियोस देखना पसंद है, मतलब मैं ऐसे चिट चैट करूं अपनी घर की बातें बताऊं आपको, वैसे वाली वीडियो देखना पसंद है, मुझे उसमें भी मजा आएगा। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मुझे वाली वीडियोस नहीं अच्छी लगती है, मैं चिट चैट भी करती हूँ बट मोस्टली मैं ऐसी लाइक ट्यूटोरियल है तो प्रॉपर आपको समझा समझा के बता दूं कि मैं ये स्टेप क्यों कर रही हूँ। तो मुझे आप बताओ कि आपको क्या देखना पसंद है, कि आपको मेरा चिट चैट देखना पसंद है जहां पे मैं अपनी फैमिली के बारे में आपको बताऊं या फिर अपनी पर्सनल बातें बताऊं, या फिर आपको ऐसा ट्यूटोरियल देखना पसंद है जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि मैं कौन सा स्टेप क्यों कर रही हूँ। तो आप देखो, इसको जैसे ही मैं अंडर आइज से ब्लेंड करती हूँ ना, मेरी अंडर आइज कितनी ज्यादा ब्राइटन अप हो गई है, कितने अच्छे से इसने मेरे अंडर आई सर्कल्स को कवर कर दिया है। ये कंसीलर बहुत अच्छा है, प्लस इसका शेड भी काफी ज्यादा सही। ओके, फाउंडेशन के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ये शुगर का रेज फॉर कवरेज 24 आवर फाउंडेशन। मेरा शेड इसके अंदर 07 वनीला लाते हैं एंड आई थिंक कंसीलर मैंने बता दिया है, मेरा शेड 12 है, सो थोड़ा सा वो डार्क है एंड 7 शेड मेरे एकदम शुगर में परफेक्ट रहता है, सो आई एम गोना टेक लिटिल बिट ऑफ इट। ये फाउंडेशन तो बहुत ज्यादा फुल कवरेज है एंड यू लिटरली नीड वेरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इट। एंड हमेशा ना मैं फाउंडेशन ट्राई करती हूँ कि मैं कम ही अप्लाई करूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हैवी बेस पसंद ही नहीं है। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं बेस प्रोडक्ट्स ना बड़े कम लगाऊं यार, क्योंकि ना ओवर केकी हो जाता है मेकअप फिर। एंड आप देखो मैंने कितना थोड़ा सा फाउंडेशन लिया था, स्टिल अभी बहुत सारा बचा हुआ है, पहले मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेती हूँ, अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं तभी और लेके लगाऊंगी,
बट जिस हिसाब से फाउंडेशन है ना, मुझे लग नहीं रहा कि मुझे और जरूरत पड़ेगी. आप देखो क्या कवरेज है, एंड ब्लेंड भी बहुत ही अच्छा होता है. थोड़ा सा मुझे हेवी है, ऐसा नहीं है आपका एवरीडे वाला फाउंडेशन नहीं है ये, थोड़ा सा क्रीमी सा कंसिस्टेंसी है इसकी. बट पार्टी वार्टी के लिए तो ये फाउंडेशन, लाइक अगर आप शादी वाला मेकअप कर रहे हो, ये फाउंडेशन उसके लिए बहुत सही है. ओके, अगेन मैं ले रही शुगर का मैजिक वंड कंसीलर. ये वाला मेरी स्किन टोन से लाइट है. पहले मैंने ये वाला यूज किया था कलर करेक्शन के लिए. यू कैन सी द डिफरेंस. दिस इज द शेड 12 एंड दिस इज द शेड 07. काफी ज्यादा येलो टोन में वाला. सो आई एम गोना टेक दिस एंड इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँ. कि नाउ हाईलाइट क्यों करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार एडिशनल स्टेप है. हाईलाइट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, मुझे ऐसा लगता है. कलर करेक्शन और हाईलाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग योर बेस मेकअप. यू कैन स्किप योर फाउंडेशन बट यू कांट स्किप ऑन योर हाईलाइटिंग एंड कलर करेक्शन, क्योंकि उससे ना फेस लाइक सारा गेम चेंजर ही वही होता है. अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे या फिर अगर आप कलर करेक्ट नहीं करोगे, ऑब्वियसली फेस एकदम ग्रे सा लगेगा एंड मेकअप एशी हो जाएगा एंड थोड़े टाइम के बाद काला पड़ने लग जाएगा. एंड अगर हाईलाइट नहीं करोगे तो फेस डल सा लगेगा ऐसे, क्योंकि हम फाउंडेशन लगाते हैं हमारा फेस एकदम एक ही टोन का हो जाता है. हाईलाइट करते हैं तो हमारे फीचर्स निखर के आते हैं, उसे इनहांस हो जाते हैं. तो अगर मैंने यहाँ पे और यहाँ पे कंसीलर लगाया तो इससे मुझे फेस लिफ्ट मिलेगा. सो बहुत सारे मेकअप है छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, आपके फीचर्स को इनहांस कर सकते हैं. कॉन्टोरिंग करोगे तो फीचर लाइक आपकी नोज ही एकदम पतली हो जाएगी एंड चीक्स को फुलर दिखा सकता है. सो मेकअप इज सच एन अमेजिंग एंड बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग सी चीज है, इसलिए मुझे इतना ज्यादा पसंद है. मेरा ये गोल है अपनी लाइफ का, लाइक सबका अपनी लाइफ का कोई ना कोई तो गोल होता ही है. मेरा ये गोल है कि मैं एक अपना बहुत ही बढ़िया सी मेकअप अकेडमी खोलूं जहां पे मैं मेकअप सिखाऊं, क्योंकि मुझे मेकअप सिखाना बहुत ही अच्छा लगता है. आपको पता ही है मैं हमेशा पकड़ पकड़ करती रहती हूँ अपनी वीडियो में कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे क्यों करना चाहिए. एंड ऑब्वियसली अब मेकअप का शौक है तो मेकअप आर्टिस्ट तो बनना ही है. लाइक मैं ऐसे चाहती हूँ कि मैं एक अपना बहुत ही अच्छा सा ना मेकओवर स्टूडियो खोलूं जहां पे मैं लोगों को सजाऊं, उनका मेकअप करूं, ब्राइड्स बनाऊं. लाइक ये मेरा गोल है. लाइक एक होता है ना कि बचपन से ना मुझे लाइक लोगों को सजाना और चीजें सजाने का बड़ा ज्यादा शौक है. इट साउंड्स वेरी वियर्ड कि चीजें सजाना, लोगों को सजाना क्या रिलेट कर रहा है, बट अगर आप लाइक मेरी एक भावना समझ पा रहे हो ना, दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. अभी मैं अपना मेकओवर स्टूडियो इसलिए नहीं खोल पा रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है आयरा बहुत ज्यादा भी छोटी है, एक साल की भी नहीं हुई, अभी वो 10 months की होने वाली है. तो अभी मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा मैं उसको भी टाइम दूँ, यूट्यूब को भी टाइम दूँ, क्योंकि यूट्यूब भी लाइक मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है. एंड मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब को भी टाइम दूँ. तो गाइस अभी मैं इसको सेट करने के लिए ना शुगर का लूज पाउडर यूज़ करूँ. लूज पाउडर बहुत ज़्यादा सही है, इसमें शेड्स भी आते हैं. तो अगर आपकी थोड़ी सी मीडियम या फिर डीप स्किन टोन है ना, आप थोड़ा सा टिंटेड लेना, व्हाइट वाला मत लेना, उससे आपका फेस व्हाइट हो जाएगा ज़्यादा. बट जहाँ तक बात है मेकअप अकेडमी की, वो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं 2-3 महीने में ही खोल लूँ एंड क्लासेस लेनी, ऑफलाइन क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दूं. एंड बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्राइसेस रखूंगी मैं बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करने वाली मेकअप का, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम सो पैशनेट अबाउट इट. तो मैं अपने पैशन के लिए कर रही हूँ. एंड इससे बड़ी बात मुझे लगती है कि मैं हर बंदे को लाइक मेकअप सिखा पाऊँ जो नहीं भी अफोर्ड कर पाते, क्योंकि आपको पता है मेकअप कोर्सेस कितने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. 1-2 lakhs को हद ही नहीं है. एक एक महीने के कोर्स इतने महंगे महंगे होते हैं जो कि ऑब्वियसली हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता. एंड मेकअप करियर है तो मैं चाहती हूँ मेकअप में आप करियर अच्छा बना सकते हो. तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर लड़की को रीच आउट कर पाऊँ बहुत ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट में. मैं अपनी अकेडमी खोलूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. तो मैं 2 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ प्लान कर रही हूँ कि मैं शुरू कर दूँ अपना काम. तो मैं फिलिंग आईब्रोज विद शुगर आर्च राइवल ब्राउ पेंसिल एंड मैं अपना एसी ऑन कर रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है. अभी एसी ऑफ किया हुआ है. ओके गाइस, सबसे पहले तो मैं अपने ब्राउ हेयर को अच्छे से ब्रश आउट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ स्पूली एंड देन मैं पेंसिल की हेल्प से अच्छे से उसको फिल करूंगी. जो पेंसिल है ना, इसकी टिप बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी हो जाता है आईब्रोज को फिल करना. प्लस अगर आपको अपने आईब्रो के हेयर स्ट्रोक बनाने हैं, अगर कहीं पर आपकी हेयर ग्रोथ कम है, तो ऐसी पतली टिप वाली जो पेंसिल होती है ना, वो बहुत ज्यादा इजी होती है. उससे यू कैन इजीली ड्रॉ योर आईब्रो हेयर. एंड नाउ मैं ना कॉन्टोर माय फेस. उसके लिए मैं ले रही हूँ शुगर की कॉन्टोर डी फोर्स फेस पैलेट. दिस इज इन द शेड 03 फियर्स फीट. काफी ज्यादा अच्छी वार्म टोन्स है इसके अंदर. सो आई एम गोना कॉन्टोर माय फेस. ये जो कॉन्टोर है ना शुगर के कॉन्टोर, सो यू गाइस नो हाउ मच आई लव शुगर का कॉन्टोर.
बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। अच्छे से मैं अपने चीक्स को कंट्रोल करूंगी एंड मैं स्माइल करके अपने एप्पल्स जो हमारे चीक के एप्पल होते हैं उसके नीचे भी हल्का सा कंट्रोल लगाऊंगी ताकि मेरे चीक्स थोड़े से फुलर लगे एंड काफी ज्यादा क्यूट लगे। एंड नोज को भी मैं अच्छे से कंट्रोल करूंगी। नोज के लिए मैं हमेशा छोटा ब्रश ही लेती हूँ क्योंकि अगर आप बड़े ब्रश से अपनी नोज कॉन्टोरिंग करोगे वो बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये शुगर की पैलेट से ब्लश लूंगी एंड ये ब्लश को मैं बड़े ब्लश ब्रश से अप्लाई करूंगी। बड़ा ज्यादा ब्लश ब्रश था, मेरा टंग ट्विस्टर हो गया, बट इस ब्लश को मैं बड़े ब्लश ब्रश से अप्लाई करूंगी ताकि इवन एप्लीकेशन हो। ब्लशेस जो होते हैं ना वो कई बार पैची हो जाते हैं अगर हम छोटे ब्रश से अप्लाई करते हैं, बड़े ब्लश अप्लाई करोगे इजी हो जाएगा। बट ये जो ब्लश है ना ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड था, तो पहले आपने देखा ही होगा मैंने कैसे अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लिया ताकि सारा मेरे फेस के ऊपर ना आ जाए। एंड एक बार ही डिप करने में मेरा पूरा का पूरा फेस कवर हो गया था, तो ये ब्लश बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी है। अगेन सेम पैलेट से मैं हाईलाइटर भी लूंगी एंड अच्छे से अपने फेस पे हाईलाइटर ब्रश अप्लाई करूंगी। हमेशा ब्रशेस को जरूर चेंज करते रहना व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैं हाईलाइटर ब्रश से अपना अच्छे से हाईलाइटर अप्लाई कर लूंगी एंड नोज के ऊपर, चिन के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर, जहां जहां मैं यूजुअली हाईलाइटर अप्लाई करती हूँ वहां पे अप्लाई करूंगी। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अच्छे से उसको स्किन में मर्ज भी कर लूं। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं शुगर की शुगर एक्स वंडर वुमन मिक्स पैलेट ले रही हूँ। आई डोंट नो ये भी अवेलेबल है कि नहीं है, लिमिटेड एडिशन तो दी थी, आई एम नॉट रियली श्योर। बट आज जो मैं लुक करने वाली हूँ उसमें आई थिंक ये वाले टोन्स बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे। इसमें भी ब्लश, कॉन्टोर एंड हाईलाइट मिल जाता है, बट इसमें आप देखो कोई भी अच्छा सा क्रीज कलर नहीं है। तो क्रीज के लिए मैं ये शुगर की ब्लेंड ऑफ रूल्स आई शेडो पैलेट ले रही हूँ एंड इसमें से मैं ये वाला मॉव टोन, काइंड ऑफ कूल टोन मॉव कलर है, काफी ज्यादा अच्छा सा कलर है। सो इसको मैं अपनी क्रीज में अच्छे से डिपॉजिट करूंगी पहले। एंड ब्रश के लिए मैं ये शुगर का ही ब्रश ले रही हूँ। दिस इज ब्लेंड ट्रेंड आई शेडो ब्रश 043 राउंड एक्सेल शेड है इसका, शेड मतलब कि नाम है इसका। एंड इसको आई एम गोना डिपॉजिट राइट इन माई क्रीज। ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रीज से स्टार्ट करो लाइक दिस एंड देन मूव ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ एंड फ्रंट की तरफ। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस एरिया। इसकी पिगमेंटेशन आप आई शेडो की देखो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जितना आप हाइयर अप्लाई करोगे ना उतनी ही आपका लिड स्पेस अच्छा हो जाएगा जितना आप ऊपर की तरफ अप्लाई करोगे। बट ऑलवेज मेक श्योर कि अपनी आईब्रोज के साथ भी मत चिपका देना कि आईब्रो और उसमें फर्क ही नहीं पता चल रहा। सो जैसी पिगमेंटेशन आपको चाहिए, ज्यादा डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, उसके हिसाब से जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग इट, ऐड करते जाओ, ब्लेंड करते जाओ। ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज मेक श्योर एजेस को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना, ब्लेंड कर लेना ताकि आई मेकअप जो है वो फिनिश्ड लगे, ऐसे लगे ना कि आपने बस कलर्स को लगा के छोड़ दिया। नाउ मैं ये स्मॉल क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ एंड इसकी हेल्प से ना मैं सिर्फ एजेस के ऊपर, आप देखो मैं ब्रश को सिर्फ एजेस के ऊपर चला रही हूँ ताकि जो एजेस है वो सॉफ्ट हो जाए। नाउ आई एम टेकिंग दिस फ्लैट ब्रश, ये है शुगर का फ्लैट ब्रश 041 एंड आई एम गोना पिक दिस लाइटर शेड फ्रॉम द पैलेट, शैम्पेन टोन कलर है ये। एंड इसको मैं अपने इनर पोर्शन में अप्लाई करूंगी एंड आई विल ऑल्सो carve out my crease with it। मैं कोई concealer से ऐसे cut crease का look नहीं दे रही हूँ, just eye shadow से crease को brush से ही लाइक ऐसे चला दूंगी ताकि एक cut crease का effect आ जाए। मैं ये वाला color ले रही हूँ, काफी अच्छा सा लाइक we can say burnt orange या फिर rust सा color है and इसको मैं यहाँ पे deposit करूंगी। So it will add a beautiful gradient and ऐसा look red color के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज मैंने अपना लाइक जो आउटफिट है वो रेडी रखा है। सो अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो और आपकी ब्राइड ने रेड कलर पहना हुआ ना तो आप ऐसी टोन्स के साथ इजीली खेल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। एंड नाउ इनर कॉर्नर के ऊपर और ज्यादा हाईलाइट इफेक्ट देने के लिए ना मैं डायरेक्टली हाईलाइटर ही पिक कर रही हूँ, ये पैलेट के अंदर ही है। एंड इसको मैं अपने इनर कॉर्नर में पॉप कर दूंगी एंड ये शैम्पेन कलर के साथ अच्छे से मर्ज कर दूंगी। सो यू सी हल्का सा हाइलाइटर ऐड करती है, कितना इनहांस हो गया इनर कॉर्नर एरिया। नाउ आईलाइनर के लिए मैं ये ग्राफिक जैम आईलाइनर ले रही हूँ, उसका नाम है दिस इज इन द शेड 01 ब्लैक दिस ब्लैक। सो मैं अपर लैश लाइन पे तो ब्लैक लाइनर लगा रही हूँ बट मैं लोअर के ऊपर ग्रीन लगाने वाली हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दैट पॉप ऑफ कलर विद दिस लुक, तो वो अच्छा लगेगा। इसकी जो वॉन्ड है ना बड़ी ज्यादा पतली है, सो आई थिंक काफी सही है यार लाइनर लगाने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर पे भी एक्सटेंड किया एंड आई थिंक आईलाइनर बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है इसका। नाउ माय लोअर लैश में थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर ऐड करने वाली हूँ, उसके लिए मैं ये शुगर का कोल ऑफ ऑनर ले रही हूँ इन द शेड एक्वा लंग।
बहुत ही ज्यादा सुंदर टर्कवाइज ग्रीन कलर है. रेड के साथ ग्रीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है. सो आई एम जस्ट गोना ऐड दिस पॉप ऑफ कलर ऑन माय लोअर लैश लाइन. मैंने जब अपना ब्राइडल मेकअप किया था ना, तभी मैंने ऐसे ही लोअर लैश लाइन पे ग्रीन कलर अप्लाई किया था. बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था. एंड आई कांट बिलीव मैंने अपना ब्राइडल मेकअप खुद कर लिया था. मुझे ऐसा लग रहा था लाइक मेकअप तो मैं कर लूंगी, वो तो मुझे पहले पता ही था. बट पहले मैं सोच रही थी कि यार ऐसा ना हो कि मैं अपना फंक्शन ना एंजॉय कर पाऊँ, मेकअप को ही लेके मैं स्ट्रेस करती रहूँ. बट फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मुझे मेकअप आता है तो मुझे खुद ही करना चाहिए अपने स्पेशल ओकेजन पे. एंड मैंने कर लिया था एंड इट टर्न आउट सो गॉर्जियस. मुझे सबने बोला था कि बहुत अच्छा मेकअप किया है. नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कितना बड़ा डिसीजन लिया था. एंड आई एक्चुअली डिड सो वेल. मैं बहुत ज्यादा लाइक प्राउडली ये बोलती हूँ. ओके एनी वे आई एम जस्ट गोना कम्प्लीट माई अदर आई एज वेल. मैं सेम कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ. मैं अपनी फॉल्स आई लैशेज भी वेयर करने वाली हूँ. शुगर का मस्कारा लगाऊंगी. शुगर का मस्कारा बहुत अच्छा है. तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ एंड देन आई विल राइट बैक. मेरा आई मेकअप कम्प्लीट हो चुका है. मैंने लैशेज भी लगा लिया एंड नाउ आई थिंक बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा है. नाउ फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस वन. दिस इज शुगर की मैट एज हेल लिप क्रेयॉन इन द शेड 26 नंबर है. इसका नाम बहुत ही वियर्ड सा है तो मैं ले नहीं रही कि मैं नाम को बुचर नहीं करना चाहती. बट आई एम गोना आउटलाइन माई लिप्स विद इट. ये लिप क्रॉन लाइक बहुत ज्यादा इंटेंस ब्राउन कलर का है. एंड फिल करने के लिए मैं ये वाला यूज करूंगी. दिस इज गुड मूडीज लिप क्रॉन 04 बैड एज. एंड दिस इज अ वेरी प्रिटी पिंकी न्यूड कलर. पहले मैंने लिपस्टिक को अच्छे से फिल कर लिया है एंड नाउ ये जो बाउंड्री है ना, इसके साथ मैं ऐसे मर्ज कर लूंगी अच्छे से. सो दैट इज अ वियर्ड सा कमोलिका वाली लाइन में ना लगे. एंड नाउ सेंटर लिप्स पे ना मैं ये लिप क्रॉन अप्लाई कर रही हूँ. दिस इज मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक. दिस इन द शेड 11 द ब्लश आई पीस. बड़ा ज्यादा सुंदर सा पीची न्यूड कलर है ये. सो इससे बहुत ही अच्छा सा एक ऑम्ब्रे लिप्स का इफेक्ट आएगा. ओके नाउ आई एम गोना अप्लाई माय सेटिंग स्प्रे. दिस इज शुगर ग्रैंड फिनाले सेटिंग स्प्रे इन द वेरिएंट ल्यूमिनस. इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, मैट वाला होता है, हाइलाइटिंग वाला होता है, ये ल्यूमिनस वाला है. एंड दिस इज माय फाइनल मेकअप. आई विल बी राइट बैक विद माय फाइनल लुक. ओके गाइस दिस इज माय फाइनल लुक. कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मैंने बस बंद करके ना ऐसे यहाँ पे दो कर्ल्स कर लिया एंड आई थिंक इट लुक्स रियली क्यूट. मैंने अपनी ज्वेलरी पहनी है एंड आई होप यू कैन नोटिस. मैंने अपने मेकअप के साथ अपनी ज्वेलरी को कॉम्प्लीमेंट किया. लाइक इसमें आप देखो थोड़े थोड़े से ऐसे ग्रीन कलर के बीड्स है तो वो मैंने अपनी लोअर लैशेज में लगाया है एंड लुक्स रियली क्यूट. आई रियली होप कि आपको मेरा लुक अच्छा लग रहा होगा. सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. मेक श्योर टू चेक दैट आउट एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.